है, राम सिंह क्या होगा, वो निर्दोष है ना, ऐसा माना जाता है कोर्ट में, कि जब तक सारे सबूत ना हो, सारी चीजें ना हो, तब तक जो है उसको अपन क्लियर नहीं। द मैजिस्ट्रेट देन हैव द डेट फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। तो मैजिस्ट्रेट जो है उसके लिए बोला है कि हम नेक्स्ट हियरिंग के लिए नेक्स्ट डे को वो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ओके, सो नाउ जय बांग गोस्वामी, जय जय आर्युदय। यस हाँ बेटा चलो मैम। ये, हाँ बेटा चलो ये जो है ना क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेस जो लिखा हुआ है ना उसको रीड करो। देखा आपको कहाँ पर से? यस ये वाला दिखा? मैम, हाँ यस चलो मैम। उसको रीड, हाँ उसको रीड करो बेटा चलो। राम सिंह हैड गिव नेम ऑफ सम ऑफ अस अस हिज फ्रेंड्स अस विटनेस सिटूस चैतू चैटूस चैतू रिपोर्ट चैटू रिपोर्ट एट द पुलिस स्टेटस स्टेशन एट स्टेशन हैड नेम्ड मंगल 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 एंड अनदर नेल नेबर्स नेल हो एट बोर नेबर्स 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 विथनेस। नेबर्स मतलब पड़ोसी। ठीक है। यस मैम। नेवर्स अस विटनेस ऑल द विटनेस वियर समंड टू अपेयर इन द ईओ नी COURT कोर्ट कोर्ट टू प्रेजेंट। परसेंट देयर प्रेजेंट देयर टीस टेस्ट टीम टेस्टिमोनी टेस्टिमोनी ऑन द डे ऑफ द सेकेंड ही हियरिंग हेयरिंग हियरिंग ऑफ हियरिंग हेयरिंग ऑल द Hearing all the witness come to the कोर्ट chat courts of the मजिस्ट्रेट ग्रेड टू magistrate grant to one called to the witness stand they related with her they व्हाटएवर know दे about then what are they Know about the know what the incarnate the layers of द both लॉयर्स the lawyers of both practice the पार्टीज according मैम क्या बता है पार्टीज है बेटा वो parties the accused एक्यूज्ड। the defendant the question the witness देन क्वेश्चन थर्ड at the their third एट द थर्ड हियरिंग At the third hearing, the layers of the lawyers लॉयर of से बेटा both, लॉयर लॉयर मतलब yes वकील। ma'am, lawyers of both side argued their cases. They case stated on the 2 years as the lawyers conviction. Their प्रेजेंटेशन presentation and इंट्रोगेशन interrogation after hearing their argument हियरिंग of द both side. Hearing of the both side of magnitaries to finally give his मैजिस्ट्रेट rule. Magistrate finally give the his rule in the case. He declared that Ram Singh be guilty of नहीं गिल्टी गिल्टी वाज गिल्टी ऑफ committing a life threatening office थ्रेटिंग and ऑफेंस offense and sentence he is to 3 years in jail. ओके 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 ठीक। देखो Districts बेटा थोड़ा of सा बस 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 हो गया, जेल तक ही करना था। प्रोनंसिएशन आपका उतना भी स्ट्रांग नहीं है, प्रोनंसिएशन पे ध्यान देंगे। आपका बहुत सारा जो है आप मैजिस्ट्रेट को मैग्निफाइंग बोल रहे हैं, कुछ अजीब टाइप का बोल रहे हैं, डिक्लेयर को डिस्लेड बोल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आप अपने रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्लास 8 में हो आप, ठीक है। आप लोग को अच्छे से रीडिंग अच्छी से आनी चाहिए। ओके यस तो मैम अच्छे से आप लोग रीडिंग करोगे। सो नाउ यस हियर मैम इज द, हाँ अब मैं मीनिंग बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक्स। अभी क्या होता है कि क्वेश्चनिंग एंड ऑफ विटनेस, जितने विटनेस का मतलब जो होता है कि जो भी आंखों देखा, जो मतलब देखा है, जैसे मंगल जो है विटनेस है, ठीक है। मंगल से सारा चीजें उनसे पूछा जाता है और उसका आंसर को जो है
रिकॉर्ड किया जाता है. सो राम सिंह हैड गिव नेम सम ऑफ द हिज फ्रेंड एज विटनेस. राम सिंह जो है उसने किसी का नाम बताया, अपने फ्रेंड का नाम बताया कि वो मेरा विटनेस है करके. चैतू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन हैड नेम्ड मंगल. चैतू जो है वहां पर रिपोर्ट करता पुलिस स्टेशन में कि उसका नाम जो है मंगल है. एंड अनदर नेबर्स वेयर विटनेस. और भी सारे जो लोग हैं. और भी जो सारे लोग हैं वो भी जो अपने आई विटनेस है. ठीक है. ऑल द विटनेस वेयर सिमोंड टू अपियरिंग इन द कोर्ट टू प्रेजेंट देयर टेस्टिमोनी. उसके बाद सारे विटनेस लोग को बुलाया जाता है एक एक करके और सब लोग से जो है उनका बयान लेते रहते हैं. ठीक है. मतलब उन्होंने क्या देखा, क्या चीज वहां पर इंसिडेंट हुआ, सारा चीज उनसे पूछते रहते हैं. ऑन द डे ऑफ द सेकेंड हियरिंग. जब सेकेंड हियरिंग की बारी आती है, देखो फर्स्ट हियरिंग तक तो हो गया, सेकेंड हियरिंग में जो होता है ऑल द विटनेस, जितने भी विटनेस होते जो आंखों देखे हैं ये सारे इंसिडेंट को, उनको बुलाया जाता है कोर्ट में. ठीक है. मैजिस्ट्रेट ग्रेड टू, मतलब अब मैजिस्ट्रेट जो है वो ग्रेड टू के हैं. When called the witness stand, और सारे witness को खड़ा कर दिया जाता है. They related whatever they knew about the incident. जो भी incident वहाँ पर होता है वो सारे चीज उनको बोला जाता है कि आप बताइए क्या आपने देखा. The lawyer of the both parties, जितने भी मतलब जो lawyer होते हैं, both parties का मतलब क्या होता है, एक चैतू के साइड का है और एक राम सिंह के साइड का है. दो lawyer, ठीक है, दो जो वकील है, एक चैतू के साइड का है और एक वकील क्या बोलते हैं राम सिंह के साइड का. तो दोनों आपस में बहुत ही क्वेश्चनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं अपने आप को, अपने अपने मतलब जो भी उनके जो भी उनके लिए जो भी कर रहे हैं, मतलब जो रहते हैं. राम सिंह जो है, राम सिंह का वकील राम सिंह को बचाने में लगा हुआ है, चैतू का वकील जो चैतू को बचाने के लिए रखा हुआ है. ठीक है. तो सारे लोग जो सारे दोनों वकील जो है आपस में बहुत आर्ग्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. देन आफ्टर एट द थर्ड हियरिंग, उसके बाद सेकेंड हियरिंग में ये होता है कि दोनों आपस में जो दोनों पार्टीज के जो लॉयर होते हैं वो आपस में डिस्कस करते रहते हैं. थर्ड हियरिंग में क्या होता है, द लॉयर ऑफ द बोथ साइड आर्ग्यूड देयर केस. ठीक है. बोथ साइड, दोनों साइड के जो भी लोग रहते हैं, दोनों साइड के जो कानून वकील रहते हैं वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूड करते हैं. और इस आर्ग्यू को स्ट्रेच करते करते मतलब खींचते हुए जो है 2 साल उनको लग जाता है उसके ऊपर हियरिंग करने के लिए. एज अ लॉयर कंटिन्यू प्रेजेंटेशन एंड इंट्रोगेशन. और लॉयर जो है कंटिन्यू अपना प्रेजेंटेशन देते रहते हैं और अपना इंट्रोगेशन देते रहते हैं, अपने बयान देते रहते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देते रहते हैं. गुड मॉर्निंग. अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या आप लोग? कौन बोला अभी क्लास के बीच में नहीं आप लोग बोलोगे? ठीक है. तो दे एक्यूज एट द डिफरेंट. उसके बाद फिर क्या हो रहा है यहाँ पे कि आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड द मैजिस्ट्रेट फाइनली गेव हिज रूलिंग इन द केस. उसके दोनों साइड के जो है आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट जो है उनके ऊपर केस के लिए और भी छानबीन करने के लिए बोला. ही डिक्लेयर दैट राम सिंह वॉज अ गिल्टी फॉर ए कमिटिंग. उन्होंने मैजिस्ट्रेट जब अपनी सारी चीजें सुनवाई सुनने के बाद जो है उन्होंने एक डिसीजन लेते हैं. मैजिस्ट्रेट मतलब जो जज रहते हैं वो डिसीजन लेते हैं. वो बोलते हैं कि राम सिंह ने गलती की है और ही वॉज गिल्टी. वो गिल्टी होते हैं. उन्होंने उनको किसी को थ्रेटिंग नहीं करना था, कराना था, डराना नहीं था, मारना नहीं था. तो जिसके कारण जो है उनको 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है. ठीक है. राम सिंह को जो है 3 साल की सजा सुनाई जाती है. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. हाँ. अभी देखो यहाँ पर येलो वाले बॉक्स में जो है कुछ बताया गया. डिस्कस द फॉलोइंग विद द योर टीचर बिफोर राइटिंग योर आंसर. फर्स्ट, व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रेजेंट विटनेस इन द कोर्ट. अच्छा बताइए आप आकृतिरा, आप कुछ नहीं करेंगे उसमें? यू हैव नो राइट्स टू डू एनीथिंग, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. ओके मैम. रिमूव कर दूं क्या मैं आपको? नो मैम. तो फिर क्यों कर रहे हो वैसे आप हरकतें? चुपचाप सुनो ना. सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रेजेंट विटनेस इन द कोर्ट. क्यों जो है जो भी आंखों देखा जो देखे रहते हैं, विटनेस, विटनेस का मतलब क्या, तो जो उस टाइम पे उस इंसिडेंट के टाइम प्रेजेंट होता है और वो पूरा सारी चीजें देखते हैं. ठीक है. क्यों कोर्ट में पेश किया जाता है, कोई बता सकता है? मैम गवाही के लिए.
हाँ गवाही के लिए कि उसको प्रेजेंट क्यों किया जाता है? गवाही के लिए तो पता है कि गवाही के लिए प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन क्यों? उनसे पूछताछ किया जाता है कि घटने में क्या क्या हुआ था। हाँ, और जो है घटना में क्या क्या हुआ था उनसे सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है ना? समझ में आया सबको? यस मैम, Why is it necessary to interrogate the witness? Interrogate का मतलब होता है पूछताछ करना। क्यों witness से ज्यादा पूछताछ क्यों करते हैं? बताओ ताकि पता चल interrogate। मैम ताकि हाँ पता चल सके कि उसमें दोषी कौन था। हाँ तभी जाके पता चलेगा कि इसमें दोषी कौन था, और वो सही जो भी विटनेस है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्योंकि उससे टाइम पूछा जाता है, जगह पूछा जाता है, कौन कौन थे वहां पर ये पूछा जाता है, और एक एक विटनेस का ही सिर्फ बयान नहीं लिया जाता है, वहां पर बहुत सारे विटनेस लोग का जो है बयान लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है दोषी को दोषी है कि नहीं है उसके बारे में पता लगाने के लिए विटनेस से सारी चीजें पूछा जाता है। थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क ऑफ द पुलिस एंड द मैजिस्ट्रेट? मैजिस्ट्रेट और वर्क पुलिस का जो काम है वो दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है? बताओ, पुलिस का क्या काम रहता है और मैजिस्ट्रेट का क्या काम रहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द वर्क ऑफ द पुलिस एंड द मैजिस्ट्रेट? मैम पुलिस का काम रहता है कि कोई अपराधी गलत काम करता है, किसी का खून करता है, क्राइम करता है, तो उसको जेल में डालते हैं पुलिस। और मजिस्ट्रेट का काम होता है कि लॉयर जब बयान देते हैं उसको उस पर लेकर फैसला करना। वेरी गुड साई, वेरी गुड। बस एक साई जो है आंसर दे रहा है। वेरी गुड साई, आई प्राउड टू यू, वेरी गुड। ठीक है, सही बोला, एकदम सही बोला है। पुलिस का काम जो है वो सिर्फ जो क्राइम करता है उसको पकड़ना, और उसके बारे में जो भी विटनेस है उसको पकड़ के लेके आना, ठीक है, पूरा रिपोर्ट तैयार करना पुलिस का काम है। और मजिस्ट्रेट का क्या काम है? जो भी वहां पे वकालत होते हैं, वकील से सुनते हैं, पुलिस से सुनते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेने का काम किसका रहता है? मजिस्ट्रेट का रहता है। नाउ फोर्थ, व्हेन टेकिंग अ डिसीजन इन अ केस व्हिच फैक्टर्स डज द मजिस्ट्रेट कीप इन द माइंड? जब भी केस में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मजिस्ट्रेट को क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखते हुए फैसला लेना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए, बताइए। मैम मैम जब मजिस्ट्रेट मैम जिसकी फैसला लेते गलती हैं है, तो सोचता है कि किसकी गलती है, कौन सही और कौन गलत है, इसको लेकर कौन इसको सही है ध्यान में कौन रखकर गलत डिसीजन है? लेते। और कोई बोलना चाहता है? साई ने बोल दिया अभी तो, और कोई बोलना चाहता है इसके ऊपर? मैम किसी भी मैम जो क्राइम नहीं किया उसके ऊपर कभी भी सजा नहीं लेना चाहिए, वो सोच के देते क्राइम हैं। जो क्राइम करते उसको पर सजा नहीं लेना चाहिए? मैम जो सही रहता है मैम उसके तरफ हाँ, और क्या ध्यान में रखना चाहिए? और मजिस्ट्रेट को क्या ध्यान में रखना चाहिए? मैम फैसला जितना ज्यादा अच्छा हो तो और मजबूत हो, हार्ड हो। सबसे पहला है मजिस्ट्रेट को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सारे सबूत सही है कि नहीं है। जितने भी विटनेस उनके पास आते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जितने भी क्या बोलते हैं रिपोर्ट उनके पास आते हैं, वो सारे सही है कि नहीं है, ठीक है? अगर क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, फर्जी रिपोर्ट भी बनाते हैं, पुलिस को घूस खिला देते तो वो रिपोर्ट बना देते हैं, ठीक है, या फिर वो गलत विटनेस को लेके आ जाते हैं, तो वो सारे चीजें ध्यान में रखते हुए क्या ध्यान में रखते हैं कि सारे जितने भी गवाह हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, वो सही है कि नहीं है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है, ठीक है, किसी के भी तरफ, चाहे वो क्राइम किया हो चाहे वो नहीं किया हो, ठीक है, दोनों के तरफ जो है वो फैसला सुनाता है, और ये ध्यान में रखता है कि सारे डॉक्यूमेंट सबूत सारे सही है कि नहीं है, क्योंकि बिना सबूत के कोई भी कोर्ट कोई भी जज फैसला नहीं कर सकता है। अगर कोर्ट के पास, अगर लॉयर के पास, अगर जो भी क्रिमिनल है उसके पास अगर कोई भी सबूत नहीं है तो वो क्रिमिनल नहीं कहलाता है, ठीक है, अगर चाहे वो क्राइम किया हो, क्योंकि होता है ना, आपने मूवी में भी देखा हो कि
किस तरीके से लोग जो है अपने सबूत को पूरा खत्म कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, या फिर उनको उनको जो है उस जगह पे उस जगह को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं ताकि पुलिस को या फिर किसी को पता ना चले, है ना। तो ये सारी चीजें इंसिडेंट होती है, तो ये रिपोर्ट जो है वहां पर तैयार होती है। क्लियर है यस मैम। ना। अपील इन द सेशन कोर्ट। साई बेटा पढ़ तो पढ़ो बेटा इसको, इस पैराग्राफ को पढ़ो, यस दिस मैम। पैराग्राफ, हाँ ये पैराग्राफ को पढ़ो, रीड बेटा, अपील अपील इन, इन द हाँ सीजन कोर्ट। राम सिटी सेशन हैड कोर्ट, टू स्पेंड सीजन कोर्ट सीजन कोर्ट सीजन नहीं राम बेटा, सिटी। सेशन है, सेशन। यस मैम। अपील इन द सीजन का स्पेलिंग सेशन क्या होता कोर्ट। है? SEASON, SEASON, सीजन। सीजन का मतलब होता है जो क्लाइमेट कंडीशन चेंज होती है ना उसको सीजन बोलते हैं, यस जैसे मैम। विंटर सीजन, समर सीजन। ये सेशन है, सेशन का मतलब होता है अपील बारी, एक के बाद एक के बाद बारी जो आता है ना वो। हाँ चलो पढ़ो। इन द सेशन कोर्ट। राम सिंह हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्रायल एंड ही हैड वेरी लिटिल मनी लेफ्ट। ही वॉज ऑल्सो वॉरीड दैट हिज फॉर्म वुड बी कंप्लीटली रन इफ ही स्पेंड 3 ईयर इन जेल। ही आस्क्ड हिज लॉयर, इज देयर एनी वे इन विच आई कैन बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम द एग्जाम्प्टेड। पनिशमेंट। एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पनिशमेंट। हिज लॉयर असर्ड हिम, आई शॉल अपील अगेंस्ट द डिसीजन इन द सेशन कोर्ट। यू विल नॉट हैव टू गो टू जेल टिल द सीजन कोर्ट गिव्स इट्स डिसीजन इन द केस। द सेशन जज कैन ओवरटर्न अ डिसीजन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यू नीड नॉट कम टू द सेशन कोर्ट फॉर द हियरिंग्स, बट यू मस्ट पे ऑल द फीस इन टाइम। ओके रुको रुको, वेट 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 वेट, जस्ट वेट। यहाँ पर क्या बता रहा है? अपील इन द सेशन कोर्ट। यहाँ पर अब सेशन कोर्ट के सामने अपील कर रहे हैं। राम सिंह को जेल नहीं जाना था क्योंकि उसने बहुत सारा मनी जो है स्पेंड कर चुका था, ठीक है, और ही हैड वेरी लिटिल मनी लेफ्ट, और उसके पास थोड़े पैसे बचे हुए थे। ही वॉज वरीड ऑल्सो दैट द फार्म वुड बी कम्प्लीटली रियउंड इट बी स्पेंड 3 ईयर इन द जेल। उसने ये सोचा कि अगर मैं जेल चला गया 3 साल के लिए तो मैं किस तरीके से अपना जो है फार्मिंग किस तरह से चलाऊंगा। तो अपने लॉयर से पूछता है कि क्या ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे कि मैं पनिशमेंट से बच जाऊं, मतलब ऐसा कोई मतलब ऑप्शन नहीं है कि मैं इस जो पनिशमेंट है इससे बच जाऊं। तो लॉयर ने बोलता है कि हाँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप जो है ये डिसीजन का, जो कोर्ट का जो डिसीजन है ये, इसको आप फिर से जो है अपील करो, इसके अगेंस्ट में अपील करो कि डिसीजन मेरे को ठीक नहीं लगा है। यू विल नॉट फॉर गिव गो टू जेल, इसके लिए आपको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उस टाइम पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा सेशन कोर्ट में, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, तब तक आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का डिसीजन को ओवरटर्न कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। ओके, न्यू यू नीड नॉट टू कम सेशन कोर्ट, आपको सेशन कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है फॉर द हियरिंग, सुनवाई के लिए आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम जो भी फीस रहता है वो आपको पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस यस मैम। मैम, समझ में आया यहाँ तक अच्छे से? यस मैम। ठीक है, अभी जो है अपन नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज के लिए उतना टाइम नहीं है, ठीक है, अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। साई बेटा पढ़ो नेक्स्ट पेज, आपके पास बुक है ना? यस मैम। हाँ चलो पढ़ो। राम सिंह लॉयर फील्ड एन अपील इन द फाइल्ड सेशन कोर्ट फाइल्ड द लॉ फाइल्ड फाइल्ड यस मैम। राम सिंह लॉयर फाइल्ड एन अपील इन द सेशन कोर्ट। द लॉयर ट्राइड टू गेट मंगल टू बिकम अ विटनेस फॉर राम सिंह, बट मंगल रिफ्यूज। द हियरिंग कंटिन्यूड फॉर अनदर ईयर। द सेशन जज रिड्यूस्ड राम सिंह सेंटेंस फ्रॉम 3 to 2 years। हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि राम सिंह जो है वो एक और सेशन कोर्ट के सामने अपना अपील फाइल कराता है कि मेरे को जेल नहीं जाना है और मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा हूँ। द लॉयर ट्राई टू गेट द मंगल, जो लॉयर है
वो ये मंगल का जो विटनेस है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, बट मंगल रिफ्यूज, मंगल उसको मना कर रहा है। जैसे किसी के सामने आप मंगल के सामने जाके लॉयर बोलता है कि आपने जो बयान दिया है उसको वापस लो, उसको बोलो कि गलत है, लेकिन मंगल सिंह बोलता है कि नहीं वो गलत है, मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं आपका बात नहीं मान सकता क्योंकि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। द हियरिंग कंटिन्यू फॉर द अनदर ईयर, फिर हियरिंग जो है दूसरे साल तीसरे साल में बदल जाता है। द सेशन जज रिड्यूस द राम सिंह सेंटेंस फ्रॉम 3 and 2 years, ठीक है 3 to 2 years। राम सिंह जो फिर उसके बाद सेशन जज में जो है राम सिंह का जो जेल का जो टाइमिंग था उसको कम कर दिया, पहले 3 साल था फिर 2 साल में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स बताओगे मेरे को। द डैश जज कैन चेंज, पेंसिल निकालो सब लोग अपने अपने हिस्से, जल्दी फास्ट। यस मैम। जल्दी निकाल ले पेंसिल। यस मैम निकाल ली। द डैश जज कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है कौन से जज के पास जो है अपन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का डिसीजन को चेंज करा सकते हैं, कौन सा जज के पास बताओ? मैम सिविल जज, मैम सेशन जज, मैम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ आया बेटा यहाँ पे? मैम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आया, मैम सेशन जज। सिविल जज नहीं है बेटा, सेशन जज आएगा, सिविल जज नहीं आएगा, सेशन जज आएगा। देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 93 में, देखो लास्ट से थर्ड वाला, लास्ट से थर्ड वाला देखो। द सेशन जज कैन टर्न ओवर टर्न द डिसीजन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओवर टर्न का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है तो सेशन आएगा, SESSION, सेशन लिखो वहां पे। मैम हाँ मैम खाली सेशन बस लिखना है ना? हाँ सेशन लिखो, SESSION। यस मैम हो गया। ओके नेक्स्ट, द एक्यूज डज नॉट गिव सॉरी हैव टू अटेंड एवरी हियरिंग एट द डैश कोर्ट, कौन से कोर्ट में हर टाइम हियरिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है? मैम सेशन कोर्ट। मैम सेशन कोर्ट। हाँ हाँ दोनों में सेशन आएगा, वेरी गुड। कौन से वाले में सेशन आएगा? दोनों में सेशन आएगा, दोनों में, पहले वाले में भी सेशन आएगा, दूसरे वाले में भी सेशन आएगा, ठीक है बस वो सेशन जज है, सेशन कोर्ट में सेशन जज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का भी सेशन है और सेकंड का भी सेशन है। थर्ड का कहाँ है? थर्ड अभी तो क्वेश्चन है बेटा, वो फिलिंग द ब्लैंक सॉरी ना है, इसको अपन कल डिस्कशन करेंगे थर्ड वाले को, ठीक है। Yes, okay. हाँ, अभी टाइम हो गया है अपन अभी क्लास ओवर, हाँ क्लास ओवर करते हैं। हाँ बोलो मैम। मैम कॉपी चेक कर देना मेरा। हाँ और आकृति, आकृति नाम है ना? यस मैम। आकृति आप बार बार क्यों बोलते हो कि मुझे गुड दो, मुझे गुड दो, ऐसा क्यों बोलते हो? हाँ आकृति बोलो ना। Okay, now class is over. Sorry, ma'am.